दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय इंटरनेशनल योग फेस्टिवल ऋषिकेश उत्तराखंड, ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तराखंड टूरिज्म एंड गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर्स आर दिशा टीवी इंडिया एंड दिशा टीवी USA. नमस्कार, दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार में आपका स्वागत है. मैं हूं अनुराधा. अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की सकारात्मक खबरें. आइए डालते हैं एक नजर. युवा संत युवराज श्री जी महाराज बनाई जी के श्रीमुख से विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. इस विशाल कथा का आयोजन संत श्री गजानन महाराज के प्रकट अवसर पर किया जाएगा. कथा संत श्री गजानन महाराज संस्थान की क्षेत्र डोमक में होगा, जो 15 से 22 फरवरी तक चलेगा. मथुरा में होली के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. समूचे ब्रजमंडल में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है. बसंत पंचमी से ब्रज में जगह जगह होली के झंडे गाड़ दिए जाते हैं और बरसने लगता है ब्रज में रंग. इसी क्रम में श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थित केशवदेव मंदिर में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है. भागवत सरल संत श्री नारायण दास जी महाराज के श्रीमुख से की जा रही है. इस कथा को सुनने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से लोग पहुँच रहे हैं. मच्छानं चतुर्कोटि समये मत्कां भक्षं भण्डं यति. ऐसे ही कृष्ण लीला करते थे. एक बच्चा को कैसे पालन करना चाहिए, आ भागवत के मध्यम में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. हर तरफ था श्रद्धालुओं का उमड़ता जनसैलाब. भक्त रंगे थे भक्ति के रंग में. हर तरफ भगवान के नाम सुमिरन हो रहा था. मौका था अलीगढ़ में भागवत कथा के आयोजन का, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे थे. इस मौके पर भागवत कथा आचार्य पवन भारद्वाज जी के श्रीमुख से की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं. ज्योतिषों के अनुसार हर प्राणी पर शनि का प्रकोप एक बार जरूर बरसता है. उसी प्रकोप से बचने के लिए मनुष्य शनि देव की आराधना करता है, उन्हें तेल चढ़ाता है और शनि की कृपा उन पर बनी रहे इसी की कामना करता है. ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर है जो कि सदियों पुराना है. स्थित है मथुरा के कोकिलावन में, जिसे कोकिलावन शनिदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ हर शनिवार को लाखों भक्तों का तांता सुबह 3 बजे से ही लगने लगता है. सर्दी हो चाहे गर्मी, आधी रात से ही यहाँ लोग शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए लाइन लगाने लगते हैं और यही कामना करते हैं कि उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहे. रात भर यहाँ तेल और काले तिल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहता है. मान्यता है कि जो मनुष्य यहाँ सच्चे मन से शनिदेव से जो मांगता है, शनिदेव उसकी प्रार्थना जरूर पूरी करते हैं. अभी के लिए बस इतना ही. अगर आपके पास कोई शुभ समाचार, प्रतिक्रिया या सुझाव है तो हमें SMS या मेल कर सकते हैं. कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.